अम्मी, आपने कभी अब्बू के बारे में कुछ बताया नहीं? क्या? कुछ भी। अमीन नाम था उनका। इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ याद नहीं है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको कुछ याद ही ना हो? चीजें भूल जाती हूँ मैं बेटा। कैसे थे? अच्छे थे। आपसे प्यार करते थे? शायद। और मुझसे? मुझसे प्यार करते थे? बहुत। आप दोनों कितने साल एक साथ रहे? एक साल बस। फिर उनकी डेथ हो गई। ताल्लुक खत्म हो गया था उनका मेरे साथ। आपको याद आते हैं? हाँ। तो फिर कभी नाम क्यों नहीं लेती आप उनका? तकलीफ होती है मुझे, इसलिए। अम्मी, कभी किसी ने आपको तकलीफ दी है? अम्मी। हाँ? कभी किसी ने आपको बहुत तकलीफ दी है? नहीं, मुझे कभी किसी ने तकलीफ नहीं दी। और आपने? क्या आपने किसी को तकलीफ दी है? शायद। ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे किसी को तकलीफ दे सकती हैं? आप तो इतनी इबादत करती हैं, और इबादत करने वाले लोग कैसे किसी को तकलीफ दे सकते हैं? बताए ना। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, सिर्फ इबादत करने वाले दे सकते हैं। मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ इबादत नहीं करती। ये ले आपकी चाय। आपको अजीब नहीं लगता जब लोग आपसे दुआएं करवाने आते हैं? नहीं, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। किस बात पर? इस बात पर कि क्या वो खुद दुआएं नहीं कर सकते? खुद भी करते ही होंगे। क्या आपने कभी किसी से दुआ करवाई है? नहीं। क्यों? मुझे अल्लाह से खुद मांगना अच्छा लगता है। आज तक क्या क्या मांगा है आपने अल्लाह से? बहुत कुछ, गिनती भूल गई अब तो मैं।
मुझे लगता है कि आपकी दुआएं बहुत कबूल होती। तुम्हें कैसे पता? बस मेरा दिल कहता है। क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल होती? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का करम है बेटा। तुम टूर से वापस कब आए? कल ही आया हूँ जी। तो आराम कर लेते, ज़रूरी था अगले ही दिन फैक्ट्री भागना? नहीं, ज़रूरी तो नहीं था, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ आपकी तरह। जिस दिन आप फैक्ट्री नहीं आएंगी ना, मैं भी नहीं आऊँगा। आपको पता है मुझे काम से आपसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। मैं काम से मोहब्बत के लिए तो फैक्ट्री नहीं आती। फिर मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है यहाँ आना, मेरा नसीब यहाँ ले आता है। समझा नहीं? उसकी जरूरत भी नहीं। टू गुड, सीरियसली इतने मज़े की दाल बनाती हैं आप कि दिल चाहता है कि अपने कुक को कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दूँ आपके पास, सिर्फ दाल सीखने के लिए। तुम मुझे बता दिया करो जब दिल चाहे, मैं बना लाया करूँगी। आपको जहमत क्यों दूँ, आपको ख़ास तौर पर मेरे लिए बनानी पड़ेगी। जहमत कैसी बेटा, हर दूसरे दिन दाल ही तो बनती है हमारे यहाँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस बार हज के लिए भेज दूँ, जाएंगी? अल्लाह के घर नहीं, अल्लाह के पास जाना चाहती हूँ। आप फैक्ट्री की बस में क्यों नहीं गई आज? बस बेटा, यहाँ बाजार तक जाना था आज। तो आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, तुम्हारा रास्ता नहीं है वो। तो क्या हुआ, रास्ता बनाया जा सकता है? मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ के बाजार जाऊँगी तो वापसी पे बस पे बैठना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम जाओ बेटा, मेरा तो ये रोज का ही काम है। आप किसी का एहसान क्यों नहीं लेती यहाँ? दुनिया का नहीं लेती, किसी का तो एहसान ही एहसान है मुझ पर। तुम जाओ। तुम इस तरह कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो बेटा? मुझसे बात किए बगैर, मुझे वजाहत का मौका दिए बगैर किस तरह?
मुझे कुछ हो गया सारा तो तुम इस पते पे चली जाना, ये खत आरफीन को दे देना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कुछ क्यों होगा? तुम उनके पास रहना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मुझसे भी ज्यादा। कौन है ये? मेरे रिश्तेदार। तो आप पहले कभी उनके पास क्यों नहीं गए? जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हें पड़ेगी। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे किसी के पास नहीं जाना कभी भी नहीं। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अपनी ही माँ को गलत समझती रही। इतने महीने हर चीज का इल्जाम उन्हीं को दिया, मेरी माँ उनका कोई कसूर नहीं था, वो उनके साथ ज्यादती हुई है। खाला को तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहिए था, छुपाना नहीं चाहिए था तुमसे। अगर उन्होंने छुपा ही लिया था तो कम से कम उन लोगों को तो बता देनी चाहिए थी, और कोई नहीं तो सा खाला तो मुझे बता सकती थी ना। उन सब ने मुझे धोखे में रखा, हैदर के साथ रिश्ते में बांध दी। शायद वो सब खौफजदा थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ ज्यादती की है, और अब वो सब कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपनी मां की तरह सारा मेरी बात सुनो। तुम सारा हौसला रखो, मत रो, चुप हो जाओ। मेरी मां ये सब कुछ नहीं डिजर्व करती थी, रहम क्यों नहीं आया मेरी माँ पे? वो सब कैसे इतने जालिम हो गए? तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ काम याद आ गया। ये दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों नहीं लगाई थी तुम लोगों ने? अम्मा तुम यहीं तक तो गई थी सब्जी लाने, मैंने कहा अभी आ जाओगी, इतनी देर क्यों हो गई? हमीदा के घर गई थी अखबार लेने। क्यों, अखबार का क्या करना था? सारा की तस्वीर छपी अखबार में, 5 लाख रुपए का इनाम रखा इतला देने वाले को। क्या? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। अब तो तुम घर से बिल्कुल मत निकलना, सहन में भी मत बैठना,
आसपास की छत से किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसा बड़ी जालिम चीज है बेटा। तो न्यूज़पेपर में भी तस्वीर आ गई है उसकी। मैं जाऊंगा कल सुबह आंटी के घर कॉलोनी में। पुलिस को तो कुछ नहीं मिला। पापा कोई और ऐसा है कांटेक्ट जिसको आप जानते हो जहां वो जा सकती हो? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम उसकी यूनिवर्सिटी में उसकी किसी क्लास फेलो किसी को भी जानते हो? नहीं, क्योंकि अपना फोन भी वो यहाँ छोड़ गई है। पुलिस ने उसका कॉलिंग रिकॉर्ड चेक किया था, मेरे नंबर के अलावा किसी पे कॉल नहीं है उसकी। सुनो, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ सभा की कॉलोनी में। आपके साथ जाने से क्या होगा पापा, किसी एक को तो फैक्ट्री का भी ख्याल रखना होगा ना। एक हफ्ते से वहाँ नहीं गया। आपको कभी अकेले रहते हुए डर नहीं लगा? अकेले रहते हुए कभी नहीं लगा। लोगों के बीच रहते हुए बहुत लगा। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाई। समझ जाओगे, जिंदगी सब समझा देती है। क्या आपको भी जिंदगी ने समझाया? नहीं, अल्लाह ने। सो क्यों नहीं रही? ऐसे पछतावा हो रहा है। किस बात का? फिर भी सारा, एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें सोचना चाहिए था इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। आखिर तुम बीवी थी उसकी। मेरी अम्मी भी तो उनकी बीवी थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? तो तुम बदला लेना चाहती हो? जरूर लेती, अगर इस काबिल होती तो। अपनी माँ की हद तक और तजलील को नहीं मिटा सकती मैं। लेकिन वो सब शर्मिंदा है अब सारा। तो मैं क्या करूं? उनको अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए था। माफ़ी तो मांग सकते थे कम से कम मुझसे। अच्छा, और अगर वो सब लोग माफ़ी मांगते तो तुम माफ़ कर देती उन्हें? नहीं, पता नहीं। चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। जी, हमने कल ही उनको चेकबुक इशू की है और उन्होंने अपना सारा कैश ड्रॉ करवा के अकाउंट को क्लोज करवा दिया है। ओके, थैंक्स। लेकिन अगर वो दोबारा ही आए तो प्लीज़ आप मुझे इस कॉन्टेक्ट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज़। वो सारा अपना कैश ड्रॉ करवा के अकाउंट क्लोज करवा चुकी हैं, अब वो दोबारा यहाँ पर क्यों आएंगी? हाँ, आखिर वो दोबारा यहाँ क्यों आएंगी? Anyways, thank you so much. सारा, निका के बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है?
मैं तलाक की बात कर रही हूँ। पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, फिर ऐसे ही कुछ करने का इरादा है। कर पाओगी? क्यों नहीं कर सकती? क्या मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? सारा, मोहब्बत ना भी हो तो एक रिश्ता तो है ना तुम्हारा। रिश्ते का क्या है, कभी भी टूट जाता है। एक धागे से ज्यादा मजबूत तो नहीं है ना ये रिश्ता। ना तोड़ना चाहे तो धागा भी सारी उम्र नहीं टूटता। ना चाहे तो तोड़ पाओगी तुम? हाँ, मोहब्बत ना भी हो सारा, फिर भी तलाक तलाक होती है। हाँ होती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, हैदर के लिए होती होगी। तुम हैदर को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? नहीं, उसके बाप को। लेकिन इतनी नहीं जितनी उसने मेरी माँ को दी थी। लेकिन कुछ तो। सारा, दूसरों की पतन चाहे कर जाए, लेकिन दूर से अपने हाथ भी जख्मी होते हैं। सारा, जिस्म भी जख्मी हो तो हाथ बचाकर क्या करूंगी मैं? तलाक के बाद क्या करोगे? शादी? नहीं, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। देख लिया मैंने इस रिश्ते को, कुछ नहीं रखा इसमें। कैसे रहोगी अकेली? वैसे ही जैसे अम्मी रही थी। सारा, खाला के पास तुम थी, तुम्हारे पास कौन है? हर घर में जाकर सारा के बारे में पूछ रहे हैं। पुलिस वाले? अब क्या होगा अम्मा, क्या वो हर घर की तलाशी ले रहे हैं? पता नहीं, जब आएंगे तो पता चलेगा। अम्मा लगता है वो लोग आ गए। तू सारा के साथ अंदर जा, मैं देखती हूँ। ठीक है अम्मा, चलो सारा। अम्मा देखो, घबरा के बात नहीं करना। चलो। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो सारा? मुझे तुम लोगों को इस मसले में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था। चुप हो जाओ, बेवकूफों वाली बात नहीं करो। थे वो तुम्हारी अखबार में तस्वीर दिखाकर पूछ रहे थे कि तुम यहाँ तो नहीं हो। तस्वीर? हाँ, और कह रहे थे कि अगर तुम्हारे बारे में कोई इत्तला मिले तो उन्हें बताओ। शुक्र है अम्मा वो लोग घर में नहीं आए तलाशी लेने, वरना क्या होता? हाँ, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। यहाँ तो इतनी भी जगह नहीं, सारा को छुपा देती। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, हमरा वो लोग बार बार मेरे लिए यहाँ आएंगे। तो आने दो, हमने तो मोहल्ले में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, किसको क्या पता कि तुम यहाँ हो। नहीं खाला, मैं सारी उम्र तो यहाँ पे छुप के नहीं रह सकती ना। चुप हो जाओ सारा। सारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ। Thank you.
अफसोस हो रहा है ना? नहीं। तो फिर क्यों सारा सारा दिन इसी तरह चुपचाप खड़ी रहती हो? मैं जॉब की तलाश शुरू करना चाहती हूँ। तुम बाहर निकलोगी ताकि मोहल्ले वाले तुम्हें पहचान जाए? मैं अपना चेहरा छुपा के जाऊंगी। सारा, फिर भी यहाँ के लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। सारी जिंदगी तुमने यहाँ गुजारी है। तो फिर क्या करूँ? सारा दिन यूं ही घर पे बैठी रहूं, ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, ये भी है। इस तरह छुप छुप के तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। अब मुझे जॉब तलाश करनी है और फिर एक रहने की जगह। जगह? क्यों? इस जगह में क्या खराबी है? एक खराबी है, यहाँ हर एक बंदा मुझे पहचानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहचाना नहीं। जी, इसलिए कि आपने मुझे इससे पहले कभी देखा नहीं है। मैं सारा का शौहर हूँ, हैदर। कौन सारा? सारा आमरा की दोस्त, साहिबा बीबी की बेटी। आपके घर बहुत आना जाना था उनका। साहिबा तो मर गई और सारा पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद हमारा उनसे कोई रابطہ नहीं हुआ। मैं अंदर आके कुछ देर के लिए आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा ना, सारा मेरे घर पर नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे मालूम है वो घर पे नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कुछ देर पुलिस की मुदाखलत के बगैर अंदर आके बात करना चाहता हूँ। वरना अगली दफा हो सकता है कि पुलिस आपसे बात करे। आओ। आओ बैठो। थैंक यू। सारा ने कई बार आपकी बेटी का जिक्र किया हमसे। आप लोग शादी पे इनवाइटेड भी थे, फिर आए क्यों नहीं? हाँ, कुछ काम था। बाद में वहाँ पुलिस आ गई तो पता चला सारा घर से चली गई है। इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको कुछ अंदाजा है कि सारा कहाँ जा सकती है? मुझे क्या पता, जब से आप लोगों के घर गई उससे हमारा कोई रابطہ नहीं हुआ। लेकिन सारा तो कहती थी कि वो आपसे मुसलसल रابطے में। मुझे नहीं पता, झूठ क्यों बोला? उसके गुम हो जाने की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन वो घर से गई क्यों? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को फिलहाल कुछ नहीं पता, वो उसे ढूंढने की मुसलसल कोशिश कर रही है। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं चलता हूँ। ये क्या कर रही हो सारा? मैं यहाँ से जा रही हूँ खाला। लेकिन क्यों? क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच गया है। हाँ,
पर उसको तो कोई शक नहीं हुआ, वो तो आराम से चला गया। वो अभी आराम से गया है लेकिन दोबारा ज़रूर आएगा और अपने साथ पुलिस लेकर आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि मैं यही हूँ। सहन में उसने मेरे कपड़े लटके हुए देख लिए थे और वो कोई अंधा नहीं है। पर तुम जाओगी कहाँ? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आपको फोन करके जरूर बता दूंगी। आरफीन, सारा का कुछ पता चला? नहीं आपा। इतने दिन हो गए हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अखबारों में तस्वीरें देने के बावजूद भी कोई इत्तला नहीं। बस दुआ करें आपा वो मिल जाए। पता नहीं बेचारे हैदर के दिल पे क्या गुजर रही होगी। वैसे आरफीन, मैं सारा को इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। और देखो, खानदान वाले यहाँ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? बस जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है। अब सारे लोगों को ये थोड़ी मालूम है कि वो नाराज होकर गई है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं। बस आपा, एक भी लफ्ज और मत कहिएगा, एक भी लफ्ज। तो कुछ हो गया और आप मुझे लोगों की बातें सुना रही हैं। लेकिन आरफीन, ये सब मैं तो नहीं कह रही, लोग कह रहे। कहने दें उन लोगों को। इन्हीं लोगों और खानदान वालों की बातों में आके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका, सबा की जिंदगी बर्बाद कर चुका। अब यह गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, नहीं दोहराऊंगा।